हेलो एंड वेलकम टू द चैनल लर्न विद राधा। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये जो टॉपिक है ये मैंने क्लास 7 साइंस NCERT टेक्स्ट बुक से लिया है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक एंड पैरासिटिक। फिर हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होता है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसे इसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में, तो ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। स्टार्ट कर रहे हैं, पहली चीज़ है कि प्लांट्स क्या हैं। प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो जनरल प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट इज़ दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस, जैसे कि सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मिनरल्स। कुछ सिंपलर सब्सटेंसेस से वो फूड अपना प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। तो ये प्रिपरेशन जो है, फूड मेकिंग प्रोसेस जो है, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ये कहाँ पर होता है? ये होता है लीव्स में। इसीलिए लीव्स को हम बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, बिकॉज यहाँ पर जो मेजर जो सिंथेसिस है फूड का, वो हम बोलते हैं जो एक्चुअल किचन है प्लांट का, वो लीव्स हैं। फिर जो रॉ मटेरियल्स हैं, ये कहाँ से आते हैं? रॉ मटेरियल्स जो हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स जैसे कि वाटर एंड मिनरल्स, ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो रूट्स जो हैं एब्जॉर्ब करते हैं, फिर स्टेम जो है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है इन वाटर एंड मिनरल्स का टू द लीव्स। तो ये जो सारे प्लांट के पार्ट्स हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं इन दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब और जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि वाटर एंड मिनरल्स जो है एक रॉ मटेरियल है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस प्लांट्स कैरी आउट कर पाते हैं, दे कैरी आउट दिस प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग। फिर ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है एयर से, ये कैसे होता है? इट इज़ डन थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। तो अगर आप सर्फेस देखें लीव्स का, तो उसमें टाइनी सेल्स दे आर प्रेजेंट, और उनके बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और ये स्टोमेटा जो हैं, दीज आर सराउंडेड बाय सम गार्ड सेल्स, टू गार्ड सेल्स होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आपको, ये है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ये अगर आप लीव्स का सरफेस देखें तो कुछ टाइनी पोर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टोमेटा और स्टोमा, और ये जो हैं ये दो गार्ड सेल्स हैं जो उसको सराउंड करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर जो ये सिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ये उन्हीं प्लांट्स में होता है जिनमें ये ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल जो है, इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। अब ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये दिस टर्म, व्हाई इट इज़ कॉल्ड इज फोटोसिंथेसिस, बिकॉज फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कम्बाइन। तो लाइट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड इज फोटोसिंथेसिस। तो अल्टीमेटली जो सन है, सोलर एनर्जी है, दैट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज हमें पता है कि ओनली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड अदर देन प्लांट्स ऑल ऑर्गेनिजम्स आर हेटरोट्रॉफ्स। दे आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स, और प्लांट्स अपना फूड कहाँ से ला रहा है? सनलाइट से। सो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें ओवरऑल हमें क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें रॉ मटेरियल्स हमें चाहिए, जैसे कि वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रिलीज़ करता है आफ्टर जो ये प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एब्जॉर्ब होती है, बट कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन।
ये एक डायग्रामेटिक व्यू है ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज दिस गैस इज टेकन इन विद द हेल्प ऑफ द टाइनी पोर्स, स्टोमेटा जो हैं यहाँ से एब्जॉर्ब होती है, और ये एक रॉ मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन भी है वो इन्हीं टाइनी पोर्स से रिलीज होती है, एक बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। फिर सनलाइट भी एब्जॉर्ब करता है लीव्स ताकि फूड प्रिपेयर कर पाए अपना, वाटर एंड मिनरल्स। तो ये जो प्रोसेस है कंप्लीट फूड मेकिंग प्रोसेस, इट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो पॉन्ड्स या लेक्स में, तो कुछ स्लाइमी सब्सटेंस जो होते हैं, स्लाइमी सी चीज़ होगी, चिपचिपी सी चीज़ होगी, और वो ग्रीन कलर की होती है, इसको हम बोलते हैं एल्गी। एल्गी जो है इट इज़ आल्सो एन ऑटोट्रॉफ। क्यों? क्योंकि ये भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, विच इज़ ग्रीन इन कलर। तो ये भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैटेगरी में ही आता है एल्गी। फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी कुछ प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, जितने भी पल्सेस होती हैं ये रिच होती हैं प्रोटीन्स में। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनका जो कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट प्रोटीन्स जो हैं इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ये नाइट्रोजन जो है प्लांट्स कहाँ से लाते हैं? ये जैसे कि आपको पता है कि एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो कंटेंट है, नाइट्रोजन गैस जो है 78% है। बट एक यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि प्लांट्स ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उनको कुछ ऐसा चीज़ चाहिए ताकि वो सॉल्युबल फॉर्म में उनको अवेलेबल हो जाए सॉइल से। तो या तो फार्मर्स जो हैं फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करते हैं, और एक चीज़ है जिसकी वजह से बिना फर्टिलाइज़र हम दिए प्लांट्स में प्लांट्स जो हैं नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉइल में, वो हम पढ़ेंगे बाद में। तो जो फर्टिलाइज़र्स फार्मर्स ऐड करते हैं दे आर बेसिकली रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। NPK फर्टिलाइज़र्स जो बहुत फेमस फर्टिलाइज़र्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के लिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये बाहर से ऐड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र्स ये सब, ताकि जो प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी हों। इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. Other modes of nutrition के बारे में हम पढ़ेंगे। Other autotrophic mode of nutrition हमने पढ़ लिया, अब हम heterotrophic mode of nutrition के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है first parasitic mode of nutrition. Parasitic mode of nutrition में दो partners जो हैं, एक partner जो है उसको benefit मिल रहा है, but किसकी cost पे? दूसरे पार्टनर की कॉस्ट पे। दूसरे पार्टनर को हार्म करके वो जो पहला वाला पार्टनर है वो बेनिफिट ले रहा है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक एग्जांपल लिया है कस्कटा। कस्कटा अमायरबल प्लांट भी बोलते हैं इसको। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल प्रेजेंट होने ना होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, इसलिए ये रेडीमेड फूड पे डिपेंडेंट है। जो प्लांट्स, जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट हैं, ये जो ग्रीन प्लांट है इस पे डिपेंडेंट है, उस पे क्लाइम करता है और उस होस्ट का जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से जिस प्लांट पे ये क्लाइम करता है उसको हार्म करता है और उससे अपना फूड ले लेता है।
नेक्स्ट जो हैं कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मींस जो इंसेक्ट्स पे डिपेंडेंट हैं, ये भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही आता है. तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि पिचर प्लांट हैं, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं. दे ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम. तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, लीव्स मॉडिफाई हो जाती हैं पिचर के फॉर्म में, और ये पिचर जो हैं इसमें एक लिड होती है. जब इंसेक्ट्स इनके अंदर जाते हैं ये लिड क्लोज हो जाती है. इनके अंदर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें वो इंसेक्ट्स जो हैं इंटैंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और ये प्लांट कुछ इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसकी वजह से वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है और उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेता है. तो ये भी हो गया हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में. फिर है सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या हम ऐसे प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो सैप्रोट्रॉफ्स हैं. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं ऑन डेड एंड डीकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन. फिर सॉल्यूशन को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स उनसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है जो डेड और डीकेइंग मैटर पर डिपेंडेंट है उसे हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. जैसे कि वेरी फेमस एग्जाम्पल है मशरूम का. ये जो पॉइजनस मशरूम है, कमर्शियल मशरूम्स नहीं हैं, जो ईटेबल नहीं हैं, ये ईटेबल नहीं होते हैं, पॉइजनस होते हैं. ये डेड एंड डीकेइंग मैटर है. यहाँ पे जहाँ पर गंदी जगह होती है वहाँ पर ये अपने आप ग्रो कर लेते हैं, और ये कैटेगरी फंजाई में आते हैं. जितने भी मशरूम्स हैं ये फंजाई में आते हैं. फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम. तो जब आपने ब्रेड मोल्ड भी देखा होगा, अगर आपका ब्रेड जो है वो बाहर रखा हुआ है और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है वहाँ पर काफ़ी टाइम तक, तो उसमें एक जैसे रुई जैसे सब्सटेंस आ जाता है जिसे हम फंजाई बोलते हैं, या मोल्ड. मोल्ड भी फंजाई कैटेगरी में ही आता है. तो ये क्या है, ये बेसिकली फंजाई है, ये बेसिकली सैप्रोट्रॉफ्स हैं. नेक्स्ट है सिम्बायसिस, या हम इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं. जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. दे आर इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. हाउ? बिकॉज दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर. दे आर हेल्पिंग टू सर्वाइव, दे आर हेल्पिंग इन सर्वाइविंग, और ये हेल्प एक दूसरे की कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई दे लिव इन द रूट्स ऑफ ट्रीज. द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फंजाई एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. तो एक दूसरे की हेल्प ये कैसे कर रहे हैं, एक फंजाई है, एक तरह का फंजाई है जो रूट्स में रहता है ट्रीज़ के. तो फंजाई जो है वो तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, और इन रिटर्न उसको क्या मिल रहा है, फंगस को मिल रहा है स्पेस टू सर्वाइव, स्पेस टू स्टे, और फूड मिल रहा है. तो इस तरह का एसोसिएशन जिसमें दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे से हेल्प मिल रही है उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे बाद में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, बट उससे पहले हम पढ़ते हैं कि कैसे सॉइल में हम न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश करते हैं. जैसे कि कुछ क्रॉप्स हैं, हम अगर उसको रेगुलरली सॉइल में उगाते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, फिर हार्वेस्ट करते रहेंगे, तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं सॉइल से निकल जाएंगे. तो उन सॉइल को हमें रिप्लेनिश करना भी ज़रूरी है. वो एक तरीका हमने पहले डिस्कस किया कि फार्मर्स एनपीके फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो रूट्स में रहते हैं प्लांट्स के, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो एयर में नाइट्रोजन है जो यूजेबल फॉर्म में नहीं है, उसको कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूबल फॉर्म में ताकि प्लांट्स जो हैं उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाएं. तो वो बैक्टीरिया क्या है, वो है राइजोबियम. वैसे तो कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, बट वेरी फेमस एग्जाम्पल इज ऑफ बैक्टीरियम विच resides in the root nodules of leguminous plants is rhizobium. ये बहुत important question है, आता रहता है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है. तो इसका जो function है ये क्या करता है, it take atmospheric nitrogen and convert it into soluble form.
और ये जो रूट्स हैं, रूट्स के जो प्लांट्स के रूट्स हैं और जो बैक्टीरिया है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। तो हमने राइजोबियम तो पढ़ लिया, राइजोबियम क्या करता है प्लांट के लिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट जो है उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाए। बट रूट नोड्यूल्स जो हैं, जो प्लांट है उसके लिए क्या करता है, राइजोबियम जो है इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं, जितने भी दालें होती हैं उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। तो ये जिसमें पीज हैं, मूंग, बीन्स, ये जो हैं ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जिसमें कि प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उस प्रोटीन कंटेंट को बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो ये रूट नोड्यूल्स हैं, ये रूट निकाला है एक लेग्यूमिनस प्लांट का, ये नोड्यूल्स हैं जहाँ पर बैक्टीरिया जो हैं वहाँ पर यहाँ पर रहते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट को नाइट्रोजन देने में। दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं सर्वाइव करने में। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। तो फर्टिलाइजर्स ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे लाइकन्स में, ये एक तरह का कॉम्बिनेशन है बिटवीन एन एल्गा एंड अ फंजाई। जब एक एल्गा और फंजाई दोनों साथ में रहते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाता है जिसको हम बोलते हैं लाइकन्स। तो यहाँ पर जो एल्गा है, जैसे कि हमने पढ़ा था, एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। एल्गी का सिंगुलर फॉर्म को हम बोलते हैं एल्गा और फंजाई के सिंगुलर फॉर्म को हम बोलते हैं फंगस। तो फंगस जो है और एल्गा जो है ये एक साथ रहते हैं। एल्गा का फंक्शन हमने देख लिया कि वो फूड प्रिपेयर करता है, द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। तो ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है प्लस शेल्टर प्रोवाइड करता है, तो एक दूसरे को ये हेल्प कर रहे हैं फॉर सर्वाइविंग। एल्गा प्रोवाइड्स फूड एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। सो ये क्वेश्चन भी है, लाइकन्स का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आता है कि लाइकन्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हैं। तो ये हैं एल्गी एंड फंगस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेसन। तो ये टॉपिक हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। सोर्स जो था, जो भी कंटेंट मैंने लिया हुआ है, एग्जाम्पल्स जो भी लिए हुए हैं, मैंने क्लास 7 साइंस NCERT टेक्स्ट बुक से लिया है। आई होप ये आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल लर्न विद राधा। थैंक यू।